नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो भारत और कनाडा के बीच जो स्टैंड ऑफ है, जो तनातनी है, आखिरकार किस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं और वे बेनकाब हो रहे हैं। अब जो मामला पूरी दुनिया के सामने आया है, उससे ये साफ तौर पर दिखता है कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो की मंशा क्या है। भारत के रिश्ते खराब होने और पूरी दुनिया में आलोचनाओं से घबराए ट्रूडो ने पहले तो भारत से बातचीत की पेशकश की, और जब भारत ने जवाबी एक्शन में उसके 40 राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को, जो है देश छोड़ने का उन्हें अल्टीमेटम दिया कि आपको इनको छोड़ना होगा, फिर ट्रूडो बौखला गए। और अब उनकी ओर से ये कहा गया कि उनके विदेश मंत्री को भारत से प्राइवेट में बात करने की विनती करने के लिए आगे किया गया। दूसरी तरफ अपने खासम खास सांसद सुख धालीवाल को मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के सरे स्थित गुरुद्वारे में चुपचाप भेज दिया गया। तो ये किस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये खुद जो है पूरे मामले को लेकर उनका पर्दाफाश हो रहा है। जिस तरह से लिबरल पार्टी के सांसद धालीवाल ने खालिस्तान पर सिखों का समर्थन हासिल करने के लिए जो है सरे के गुरुद्वारे का दौरा किया था, यही गुरुद्वारा भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से जो हमारे पास जानकारी है कि यहाँ पर जो है खालिस्तानी समर्थकों को यहाँ जो पूरी तौर पर मदद दी जाती है, वे वहाँ पर रहते हैं और खालिस्तान के समर्थन में जो है पूरा आंदोलन किस तरह चला जाए वहाँ रणनीति बनती है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत कनाडा के बीच खराब हुए रिश्तों के संबंध में धालीवाल ने खालिस्तान समर्थक सिखों से चर्चा की और उसने अपना समर्थन देने का वादा किया था। अब जो बातें सामने आ रही है कि किस तरह से जो कनाडा है और खासतौर पर जस्टिन ट्रूडो, उनकी कथनी और करने में किस तरह से अंतर है। एक तरफ विदेश मंत्री को अपने आगे बढ़ा रहे हैं कि आप निजी तौर पर बातचीत कीजिए भारत से, प्राइवेट में बातचीत कीजिए और इस मामले को सुलझाइए, क्योंकि अगर जिस तरह से भारत आक्रामक है, ऐसी स्थिति में न केवल आर्थिक नुकसान होने जा रहा है कनाडा को, बल्कि जिस तरह से अगर भारतीय छात्र अगर दूसरी जगह रुख करते हैं तो एक जो हर साल लाखों जो छात्र पहुंचते हैं कनाडा, एक भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और आपने देखा कि एक सर्वे में ही साफ तौर पर देखा गया कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही, जब से भारत और कनाडा के बीच जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, तनातनी बना हुआ है, और जो आतंकी निजर की हत्या के बाद, जबकि ये साफ दिखाता है कि इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की हाथ है और इसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको ही पता है, लेकिन ये इस बात को भारत की ओर मोड़ना चाहते हैं कि भारत की पर आरोप लगाना और ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा करना, जबकि भारत की अब तक की जो इतिहास रहा है कि दूसरे देशों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अब जो स्थितियां हैं देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि भारत ऐसा है जबकि अपने दुश्मनों से आंख में आंख मिलाकर बात करता है, बात करेगा, साथ ही साथ जो भी मुद्दे होगा उसमें झुकने का तो प्रश्न नहीं उठता है। तो ऐसे में भारत ने साफ तौर पर कर दिया है कि खालिस्तान के मसले पर जिस तरह से हवा दी जा रही है कनाडा में, वो उचित नहीं है। कनाडा सरकार को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कनाडा को जो है डोजियर सौंपा गया है कि कौन कौन से जो खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकी वहां पर रह रहे हैं और किस तरह से इसको हवा दे रहे हैं,